कहते हैं हिम्मत और हौसला हो तो मेहनत एक ना एक दिन जरूर रंग लाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है केरल के 28 साल के रंजीत रामचंद्रन ने। रामचंद्रन कल तक चौकीदार की नौकरी किया करते थे और अब सीधे IIM के प्रोफेसर बनकर सामने आए हैं। रंजीत का सिलेक्शन IIM रांची में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर हुआ है। एक वक्त ऐसा भी था जब रंजीत चौकीदार की नौकरी करते थे। चुनौतियों का सामना करते हुए और कभी हिम्मत ना हारते हुए उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। रंजीत ने तिरपाल की छत वाली इस झोपड़ी की फोटो के साथ फेसबुक पर ये पोस्ट डाली। उन्होंने सोचा नहीं था कि ये वायरल हो जाएगी और इसे बेशुमार लाइक्स मिलेंगे। रंजीत रात में गार्ड की ड्यूटी करते थे तो दिन में पढ़ाई पर फोकस रखते थे। उन्होंने टेलीफोन एक्सचेंज में भी काम किया। इस तरह रंजीत ने अपने जिले के कॉलेज के अर्थशास्त्र की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने IIT मद्रास से पढ़ाई की और फिर PhD ली। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद रंजीत को बड़ी कामयाबी मिली। अब रंजीत को IIM के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर चुन लिया गया है। दूसरी खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है। मास्क ना पहनने पर छतरपुर नगर पालिका CMO ओमपाल सिंह भदौरिया एक अनोखे अंदाज में दुकान पर खड़े लोगों के चालान काटते नजर आए। अनोखा इसलिए क्योंकि CMO कार की जगह साइकिल पर अपने इंजीनियर को पीछे बिठाकर वीडियोग्राफी करते हुए कार्रवाई करने के लिए पहुंच गए। CMO ने इस अनोखे कदम के पीछे वजह भी बताई। CMO का कहना था कि कार पर आने से लोगों को पहले ही उनके आने की सूचना मिल जाती है, जिस वजह से लोग अलर्ट हो जाते हैं और मास्क पहन लेते हैं। इसलिए उन्होंने ये तरकीब निकाली और साइकिल से निरीक्षण किया तो अधिकांश लोग बगैर मास्क के दुकानों पर बैठे नजर आए। इस तरह से CMO ने कुल 76 लोगों का चालान काटा। UP के कन्नौज का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स इलाज के लिए अपनी 80 साल की बुजुर्ग मां को पीठ पर बैठाकर अस्पताल के परिसर में घूम रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि शख्स बुजुर्ग मां को स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की जगह अपनी पीठ पर बैठाकर परिसर में घूम रहा है। इस दौरान अस्पताल के कई कर्मचारियों ने इन्हें देखा और नजरअंदाज कर दिया। बुजुर्ग शांति देवी अपने बेटे राम विलास के साथ इलाज के लिए आई थी। डॉक्टर ने शांति देवी को शुगर की जांच कराने के लिए कहा। बुजुर्ग चलने फिरने में लाचार थी। जब उनके बेटे को अस्पताल में स्ट्रेचर या व्हीलचेयर नहीं मिली तो उनका बेटा उन्हें NCD सेल तक ले गया, जहां उनका शुगर टेस्ट किया गया। CMS डॉक्टर शक्ति बासु का कहना है कि अस्पताल के इमरजेंसी गेट के बाहर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई थी। इससे संबंधित 2 स्टाफ की ड्यूटी भी लगाई गई थी। बावजूद इसके अस्पताल कर्मचारियों की तरफ से ऐसी लापरवाही देखी गई। अब इस पूरे मामले की जाँच की जा रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।